वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर वंस अगेन। कैसे हैं आप? आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक और नया ड्रोन मॉडल, और ये है FPV फर्स्ट पर्सन व्यू रेसिंग ड्रोन मॉडल। क्यों इन दिनों में काफ़ी FPV की काफ़ी मॉडल्स रिलीज़ हो रहे हैं। अभी इंडिया में इनका अभी चलन इतना चला नहीं है, बट आई थिंक जैसे ही वो इंपोर्ट वाला सिस्टम जो अभी नहीं हुआ शुरू, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं गियर बेस्ट से या बैंगूड से मंगाने के लिए, वहाँ पर ये चाइनीज़ कंपनीज इनको लिस्ट किए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में आपको काफ़ी वैरायटी के ड्रोन वहाँ मिल जाते हैं। तो मैं इस चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ ड्रोन से रिलेटेड, और चुनिंदा जो मॉडल्स काफ़ी अच्छे होते हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। बट स्टिल अभी आप नहीं बाय कर सकते, बट स्टिल इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जब यहाँ पर वो सब सिस्टम शुरू हो जाएगा तब आप बाय कर सकते हैं। तो FPV ड्रोन्स बेसिकली रेसिंग और उसको एक्सपीरियंस करने के लिए अच्छे से इसलिए होते हैं। तो इनसे अगर आप सोचेंगे कि सिनेमेटिक शॉट्स लेना, वो अलग कैटेगरी है, FPV अलग कैटेगरी में आता है। ये फ़न के लिए हैं, और इसमें अगर कैमरा बहुत ही हाई एंड का अच्छा लगा हुआ है तब उसको आप कई बार कोई एक्शन सीन आ रहा है उसको आप दिखाना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल जो मूवमेंट्स होती हैं बहुत फास्ट होते हैं, काफ़ी फास्ट ड्रोन होता है। तो उसी कैटेगरी में आज मैं बात करने वाला हूँ। एक नया ड्रोन रिलीज़ हुआ है, EMAX बेबी हॉक प्रो, और ये रेसिंग FPV ड्रोन है। इसके अंदर उन्होंने बात यह करी है कि काफ़ी ज़्यादा पावर डाल दी है, ब्रशलेस मोटर्स के साथ आता है, $180 का है ये, मतलब इस पे जो प्राइस है। तो इंडिया में आप मत पूछें, इंडिया में जब ये चीज़ें आएंगी तब थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, और अगर ये इम्पोर्ट वाली परमिशन मिलनी शुरू हो गई तब आपको इसी प्राइस में, यानी $180 को आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो 107 यानी करीबन 13-14 हज़ार रुपये का ये ड्रोन है। तो आपको दिखाते हैं पहले FPV ड्रोन, तो चलिए EMAX बेबी हॉक हार्ट प्रो RC रेसिंग ड्रोन जो कि FPV के लिए बनाया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं बैटरी डालने का मॉड्यूल, और इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी सारी मोटर्स जो हैं वो ब्रशलेस हैं। तो ये है, इन द बॉक्स में आपको मिलते हैं कुछ स्टिकर्स, और ये बैटरी जो इसके साथ मिलती है ज़बरदस्त, इससे बड़ी बैटरी भी इसमें लग सकती है, वो आपकी मर्ज़ी है, आपने लगाना चाहें तो लगाएं। चार्जर इसका नहीं देते, और ये प्रोपेलर्स काफ़ी अच्छे हाई क्वालिटी के आपके साथ मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स ही देते हैं, क्योंकि FPV ड्रोन्स की ज़्यादातर रहता है कि वो टकराएगा और प्रोपेलर टूटेंगे, तो पहले से ही कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स और जो जरूरत पड़ सकती है फ्यूचर में वो बॉक्स में डाले हुए। इस तरह का ये आपको ड्रोन दिखने में लगता है, काफ़ी मिनी सा ड्रोन है बट बहुत ही पावर है इसके अंदर। मैंने बताया था कि इस तरह का आपको रेडियो कंट्रोलर खरीदना पड़ेगा अलग से ऐसे ड्रोन्स को उड़ाने के लिए, और उसमें काफ़ी आपको पहले से ही फीचर्स मिल जाते हैं जो कि उसके साथ लिंक करने में हेल्प करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स FPV ड्रोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। वैसे पर्सनली आई डोंट लाइक FPV ड्रोन्स, क्योंकि मुझे सिनेमैटिक चीज़ें अच्छे शॉट्स लेने का शौक है और अच्छा लगता है। एंड इंडिया में ये अब आएगा कि नहीं आएगा, मतलब अभी क्रेज़ अभी पता नहीं है, बाहर बहुत क्रेज़ है FPV रेसिंग का, और शायद इंडिया में भी शुरू हो जाए। तो आपको कैसा लगते हैं FPV ड्रोन्स और FPV रेसिंग ड्रोन्स, अगर अच्छे लगते हैं और क्या आपका मानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और होप सो आने वाले टाइम में जब इंपोर्ट शुरू हो जाएगा ड्रोन्स का तो हमारे इंडियन जो शौकीन हैं ड्रोन्स के वो भी ऐसे ड्रोन्स का मज़ा ले पाएंगे। फ़िलहाल अभी पॉसिबल नहीं हो रहा, किसी किसी का आ जाता है, और सबसे बड़ा इसमें ड्रॉबैक इनमें ये है कि वो स्टैंड अलोन भेजते हैं, मतलब स्टैंड अलोन का मतलब है कि वो आपको साथ में रिमोट वगैरह, या इवन इसमें चार्जर नहीं है, इसमें रिमोट नहीं है, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा, और 15,000 का सीधा सिर्फ ड्रोन है जिसमें आपको प्रोपेलर्स मिलेंगे, ब्रशलेस मोटर्स मिलेंगे। तो ऐसे शौक अभी इंडिया में पता नहीं, इंडिया में सबको पैकेज चाहिए होता है बेसिकली। तो आप बताइए आपका कैसा है विचार इस FPV ड्रोन के बारे में। वैसे इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, काफ़ी
पावरफुल रेसिंग ड्रोन बनाया, थोड़ा सैंपल मैंने आपको दिखाई दिया। तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमने चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले टाइम में अब नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ आने वाली हैं, जिसमें पूरा मैं उसका काफ़ी मुझे एक दो हफ्ते हो गए हैं यूज़ करते हुए क्रेन M2 को, तो उसका आपको रिव्यू दूंगा। एंड सेट टॉप बॉक्स के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, वो भी आया नहीं, उसके बारे में बताऊंगा क्या अपडेट है। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और क्योंकि इस चैनल पर आते हैं टेक न्यू ड्रोन से डिजाइन इन्फॉर्मेशन और सिनेमाटोग्राफी और टेक गैजेट्स जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। थैंक यू, जय माता दी।